अली मीर तिजारा या लखी बंजारे का मकबरा। अब जानते हैं कि यह लखी बंजारा कौन था। लखी बंजारा एक धनवान चरवाहा था। उसके पास लगभग 1,00,000 भेड़ बकरियां थी। लखी बंजारा पहले हिंदू था जो हजरत कुतुब कुतुबुद्दीन अहमद साहब से प्रभावित होकर मुसलमान बन गया था। इसके बाद व्यापारी होने के कारण उसका नाम मीर तिजारा व्यापारी रखा गया। लखी बंजारा हजरत कुतुब कुतुबुद्दीन अहमद साहब को अपना धर्मगुरु मानता था। वह उनके प्रति अपार श्रद्धा भी रखता था। यह भी कहा जाता है कि लखी बंजारे ने इसका निर्माण अपने जीवित अवस्था में करवाया और इसकी निर्माण कला सौंदर्य देखने लायक है। मकबरे के भवन का निर्माण हो जाने के बाद बंजारे ने अपने गुरु कुतुब साहब को कहा कि इस विशाल एवं भव्य मकबरे में आपके देहांत के बाद आपके शरीर को दफनाया जाए, ऐसी मेरी कामना है। अपने प्यारे शिष्य बंजारे के इस प्रस्ताव पर गुरु हजरत कुतुब कुतुबुद्दीन अहमद साहब ने बड़े सहज भाव से कहा कि ये तो खुदा ही जानता है कि यह मकबरा मेरे लिए है या तेरे लिए। थोड़े दिनों के बाद लखी बंजारे का देहांत अपने गुरु से पहले हो गया। तो जनाब हजरत गुरु कुतुबुद्दीन अहमद साहब के कहने पर लखी बंजारे के शव को यहां दफनाया गया। लखी बंजारा वही बंजारा था जिसकी कहावत व गीत आज भी हरियाणा की लोक कथाओं व गीतों में कही सुनी जाती है, जिसने संदेह में आकर अपने पालतू स्वामी भक्त कुत्ते को मार डाला था और बाद में अपने किए पर पछताते हुए कुत्ते के शव से लिपट लिपट कर रोया था। कहावत इस प्रकार है कि लखी बंजारे को एक बार धन की आवश्यकता पड़ी। तब वह नगर में एक साहूकार के पास गया और रुपया उधार मांगा। साहूकार ने रुपये के बदले कुछ गिरवी रखने के लिए कहा। इस पर लखी ने बताया कि मेरे पास केवल मेरा आज्ञाकारी स्वामी भक्त कुत्ता है, मैं इसे तुम्हारे पास गिरवी रख सकता हूँ। समय आने पर मैं तुम्हारा रुपया चुका दूंगा और अपना कुत्ता वापिस ले जाऊंगा। साहूकार ने बंजारे के कुत्ते की वफादारी व आज्ञा पालन के किस्से सुन रखे थे। उसने कुत्ते को रखना मान लिया व लखी बंजारे को कर्जा दे दिया। बंजारे ने कुत्ते को सारी बात समझाकर साहूकार के पास छोड़ दिया। कुत्ते को आज्ञा दी कि जब तक मैं सेठ का कर्ज ना चुका दूं तब तक तुम सेठ के आज्ञा पालक रहोगे, वह मेरे पास नहीं आओगे। कुत्ता आज्ञा पालक की भांति सेठ के दरवाजे पर बैठ गया। बंजारा रुपया लेकर अपने डेरे में वापिस आ गया। कुत्ता सेठ के घर पर रहने लगा। काफी दिन गुजर जाने के बाद एक रात साहूकार के घर चोरों ने रात के समय चोरी कर ली। सारी धन दौलत समेट कर चल पड़े। घर में कुत्ता चुपचाप सब कुछ देखता रहा। जब चोर घर से सारा माल लेकर चले तो कुत्ता भी दबे पांव उनके पीछे पीछे चल पड़ा। चोरों ने जंगल में एक सुरक्षित स्थान देखकर भूमि में गड्ढा खोदकर सारा धन उसमें दबा दिया। वह दबे पांव वहां से खिसक गए। कुत्ता सब कुछ देखकर साहूकार के घर वापिस आ गया। अगले दिन सुबह साहूकार के घर के लोग जागे तो उन्हें चोरों की करतूत का पता चला। साहूकार ने अपने घर हुई चोरी को देखकर हो हल्ला मचा दिया। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। जब घर के सभी लोग चोरी की घटना की चर्चा कर रहे थे तब कुत्ते ने साहूकार की धोती पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। ऐसे में कुत्ते के इस व्यवहार पर सभी को हैरानी हुई कि किसी वृद्ध ने कहा कि कुत्ता तुम्हें कहीं ले जाना चाहता है, तुम उसका अनुसरण करो, माने उसके पीछे पीछे चलो, जैसा वो कहता है वैसा करो। कुत्ता आगे आगे चल पड़ा, वह सभी लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुत्ता सभी को जंगल में चोरों द्वारा दबाए गए धन के स्थान पर ले गया। भूमि खोदकर साहूकार ने अपना सारा धन निकाल लिया। सभी ने कुत्ते की समझदारी, वफादारी व स्वामी भक्ति की प्रशंसा की। साहूकार कुत्ते की कारगुजरी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने लखी बंजारे का कर्जा माफ करने की घोषणा की। इस बारे में एक संदेश लिखा जिसमें कुत्ते की अकलमंदी व वफादारी का भी बखूबी जिक्र किया गया। लिखा हुआ कागज कुत्ते के गले में बांधकर साहूकार ने कुत्ते को अपने मालिक बंजारे के पास वापिस जाने के लिए आज्ञा दे दी। कुत्ता खुशी खुशी अपने मालिक के आवास की ओर चल पड़ा। बंजारे ने दूर से आते हुए अपने कुत्ते को पहचान लिया। कुत्ते को अपनी ओर आता देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अनुमान लगाया कि कुत्ता उसकी आज्ञा की अवहेलना करके सेठ के घर से वापिस आ गया है, क्योंकि उसने अभी तक सेठ का कर्जा नहीं चुकाया था। उसने यह भी समझा कि कुत्ते के इस बेवफाई ने समाज में उसका अपमान करवा दिया है। अपनी इस नासमझी के चलते उसने अपनी लाठी को कसकर पकड़ लिया और जैसे ही वफादार कुत्ता अपने मालिक को देखकर पूंछ हिलाता हुआ पास आया
वैसे ही उसका स्वागत लाठी के भरपूर वार से कर दिया। लाठी के पहले वार ने ही कुत्ते को धूल चटा दी। बंजारे ने नीचे पड़े कुत्ते पर एक के बाद एक वार करके उसको धराशायी कर दिया। कुत्ते के प्राण पखेरु उड़ गए। मृत पड़े कुत्ते के गले में बंधे हुए कागज पर जब उसकी नजर गई तो उसने उस कागज को खोलकर पढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस कुत्ते को उसने बेवफा समझकर यमलोक पहुंचा दिया था, वह कुत्ता उसका परम स्वामी भक्त निकला और समाज में उसके मान को बढ़ाया। अब बंजारे के पास पश्चाताप के आंसू थे। बंजारा कुत्ते के शव को अपने सीने से लगाकर जार जार रोने लगा और उसकी वफादारी में विलाप करने लगा, क्योंकि उसकी थोड़ी सी नासमझी के कारण उसने अपना एक वफादार साथी खो दिया था। बंजारे ने कुत्ते को दफनाकर मातम मनाया और एक मजार बनवाई। यह मजार दरगाह के बाहर वाले कब्रिस्तान में बताई गई है, जो इस मकबरे के पास ही थी। वफादार कुत्ते की यह मजार कालांतर में खंडर होकर लुप्त हो गई, किंतु लक्खी बंजारे का मकबरा आज भी उसकी व उसकी स्वामी भक्त कुत्ते की कहानी दोहरा रहा है। लक्खी बंजारे व उसके कुत्ते की कहानी हरियाणा के लोक गीतों में आज भी पाई जाती है। इस भव्य मकबरे में लक्खी बंजारे की सफेद संगमरमर की मजार आज भी है। इस मकबरे के दरवाजों की वास्तुकला बड़सी दरवाजे के आगे वाले भाग से काफी मेल खाती है। जिला हिसार में यह अपनी तरह का एक ही मकबरा है। सन 2010 में हरियाणा पुरातत्व विभाग ने इस मकबरे के पास सफाई का काम करवाया। इस दौरान हुई बारिश ने मकबरे के नीचे जाने का रास्ता खोल दिया। समाचार पत्रों में खबर छपी कि मकबरे के नीचे के कक्ष से बर्तनों में कीमती सामान निकला है, लेकिन सरकार ने किसी भी अंग से इसकी जांच नहीं की। मौके पर अधिकारियों के हाथ क्या लगा, यह एक रहस्य बनकर रह गया है। ये तो हुई वो कहानी जो हरियाणा भर में प्रसिद्ध है और जिसे लिखा है जगदीश सैनी साहब ने। लेकिन इसके अलावा इतिहासकार गौरिक इसके बारे में यह लिखता है कि यह एक बंजारे का मकबरा है जिसको अली या आलम का नाम देता है। इसे मीर तिजारा भी कहा गया है, जो मुख्य सामग्री जुटाने वाला था। सुल्तान जमीद उद्दीन का किसान सेनापति था। इसके बाद के इतिहासकार भी इस भवन को अली का मकबरा बताते हैं। जिस पद सूचक तुजार, ताजर और ताजिर लिखा है, जिसका मतलब मुख्यतः व्यापारी होता है। ये आप जानते ही हैं कि व्यापार को तिजारत कहते हैं, व्यापारी को तिजारा, व्यापार के नापतोल करने वाले साधन को तराजू और धन रखने वाले की बंद पिटारी को तिजोरी कहते हैं। हाजे में स्थानीय लोग इसे जमाल उल हक का मकबरा कहते हैं, जिसके बारे में हाकिम फादिल उल रहमान ने हजरत कुतुब कुतुबुद्दीन अहमद साहब के एक शिष्य के तौर पर बताया है। हाकिम साहब ने शहर के कुछ पुराने नागरिकों के विचार भी लिखे हैं कि अली मीर तिजारा को इस भवन में नहीं दफनाया गया था, बल्कि चार कुतुब के अंदर वाले घेरे के अंदर दफनाया गया था। फिर भी इस भवन का नाम पहले वाले इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है। इसके अंदर भी संगमरमर की एक मजार है जो साधारण फर्श के ऊपर उठी हुई है, हल्के आकार में बड़ी है। इसके बारे में कहा जाता है कि लक्खी बंजारे ने अपने गुरु हजरत कुतुब कुतुबुद्दीन अहमद साहब को तोहफा देने के लिए बनवाया था। इतिहासकार जगदीश सैनी बताते हैं कि सन 2010 में इस भाग में सरकारी विभाग ने कुछ काम कराया था। उस दौरान बरसात आने की वजह से इस मकबरे के पश्चिमी दरवाजे के बाहरी भाग में जमीन धस गई। तब एक बड़ा रास्ता इस गुंबद के नीचे दिखाई दिया, जो ठीक इस गुंबद के नीचे बने एक तहखाने में जा रहा था। मैं भी इस कक्ष में गया तो देखा कि इस तहखाने के बिल्कुल बीच में एक भव्य मजार बनी हुई है। इस बारे में विभाग के लोगों को सूचित किया गया, किंतु कोई भी इसे देखने परखने नहीं आया और काफी इंतजार के बाद इसे वापस मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया। अली मीर तिजारा का मकबरा इस जिले के सबसे संग्रहित मकबरों में से एक सर्वोत्तम उदाहरण है। हालांकि यह एक साधारण शक्ल में है, फिर भी इसकी तुलना हिसार के मकबरों से की जाती है। सुनने वालों को यह बता दिया जाए कि यह लिखा है जगदीश सैनी साहब ने, जिन्होंने पहले भी बहुत सारी किताबें और इतिहास की किताबें लिखी हैं। इन्हीं द्वारा कुछ चीजों को मैं आगे भी आप लोगों के सामने लाता रहूंगा, तब तक इसे अपने जैसे लोगों तक पहुंचाएं। शुक्रिया।